To my so, और लेकिन थोड़ा लेंदी है जब ये मुझे पिछले बार मिला था ठीक एक साल पहले ये क्वेश्चन आया था थर्टी डेज ऑफ कोड में जीएफ जी का चैलेंज था और मुझसे ये क्वेश्चन नहीं बना था तो अभी देख सकते हो कि इस साल मुझे कितना टाइम लगा क्वेश्चन समझने में और बनाने में मात्र 2 मिनट क्योंकि बहुत ही इजी अगर तुम इसको मतलब को समझ लेते हो तो वही मतलब मैं समझाऊंगा इस कहानी को तुम लोग अच्छे से पढ़ लेना और ये कहानी क्या बोल रहा है उसको मैं अच्छे से फ्रेम करके सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छे से समझ लेंगे देन फिर हम लोग अप्रोच की तरफ चलेंगे एंड देन फिर हम लोग फटाफट कोड कर लेंगे कोड बहुत ही ईजी रहेगा जब तुम लोग अप्रोच समझ जाओगे तो तो देखो बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हम लोग अपना एग्जाम्पल लिख लेते हैं जीरो फाइव वन टू फोर थ्री सो नाउ लेट जंप टू द द्वेश्चन की सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझते हैं तो क्वेश्चन समझने के लिए हम लोग को बोल रहा है कि तुम्हारे क्लास में एक टीचर है यहाँ मैं इंडेक्सिंग भी कर देता हूँ ठीक है और हम लोग का कंप्यूटर साइंस का टीचर है उसके साथ हम लोग क्या कर रहे हैं प्रैंक कर रहे हैं कैसा प्रैंक कि जब भी टीचर ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं कि मान लो यहाँ पे हम बैठे हुए यहाँ पे तुम बैठे हुए तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तुम आ जा रहा है कोई लड़का यहाँ से यहाँ आ जा रहा है कोई लड़का यहाँ से यहीं रह रहा है कोई लड़का इधर से यहाँ आ जा रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह प्लेस बदल रहे हैं कब बदल रहे हैं जब टीचर ब्लैक बोर्ड की तरफ देख रहा है तब ठीक है ऐसा सैतानी हम लोग कर रहे हैं नो लेट्स की कंडीशन क्या है कि कैसे कोई एक जगह से दूसरे जगह ये प्रैक्टिकल लाइफ है नहीं कि कहीं भी बदल लो यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया हुआ है उसके हिसाब से हम लोग को क्या करना होगा सीट बदलना होगा सो नाउ लेट्स हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि वो कंडीशन है क्या वही मेन प्रॉब्लम का जर है कि कैसे बदल रहे हैं तो ये जो इंडेक्सिंग है ना ये हम लोग का डेस्क है और ये जो तुम लोग देख रहे हो नंबर जीरो हम लोग का रोल नंबर है दैट इज रिप्रेजेंटेड एक्स और एन तुम्हारा बता रहा है कि कि है कि कितना नंबर ऑफ ठीक है तो बोल रहा है कि कि ये जो समझो यहाँ पे हम लोग ठीक है मान लो इस रोल नंबर तो जैसे ही टीचर मुड़ा तो ये रोल नंबर बोला और एक कंडीशन और हा कि सारा स्टूडेंट रिसफल करेगा ही करेगा एक दूसरे से जगह सीट बदलेगा ही बदलेगा ये हंड्रेड परसेंट कंडीशन है ऐसा नहीं कि हो सकता है कि कोई ना बदले हो सकता है कोई ना भी बदले लेकिन हम लोग चेक करेंगे उसको कि क्या वो कंडीशन के हिसाब से अगर ठीक जगह पे है तो ठीक है लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसको रिसफल हंड्रेड परसेंट करना ही होगा लेकिन अगर कंडीशन के हिसाब से अपने वो सीट पे पहले ही है तो उसको रिसफल करने का कोई जरूरत नहीं है लेकिन वी हैव टू चेक द एवरी स्टूडेंट कि वो रिसफल कर सकता है कि नहीं ठीक है तो हम लोग सबसे पहले इस पे आए तो देखो ये इसका रोल नंबर फाइव है इसका रोल नंबर फाइव है और ये कहाँ चेंज करेगा तो देखो ये जो डेस्क नंबर है ना तो ये डेस्क नंबर ओरिजिनली कहाँ पे है वहीं पे चेंज करेगा तो देखो ये जो डेस्क नंबर है तुम्हारा तो अब ये डेस्क नंबर है तो हम लोग देखेंगे कि ये जो रोल नंबर फाइव है वही चेंज करेगा जहां पे ओरिजिनली ये डेस्क नंबर वाला जो रोल नंबर है वो बैठा हुआ है बेसिकली ये जो है फाइव ये जाएगा तुम्हारा उसी डेस्क वाले रोल नंबर पे उसी रोल नंबर पे जाएगा जिसका जो ये डेस्क पे है जैसे कि फाइव डेस्क वन पे है तो कहा जाएगा जहां रोल नंबर वन बैठा हुआ है तो रोल नंबर वन कहा बैठा हुआ है यहाँ बैठा हुआ है देखो जिसी तरह जीरो है तो जीरो वहीं जाएगा जहां पे इसका डेस्क है तो तो इसका डेस्क देखो जीरो पे ही है तो इसको चेंज करने का जरूरत नहीं है तो बोले थे ना कि सब स्टूडेंट को हम लोग चेक करेंगे कि, कि कंडीशन चेक कर सकते हैं कि वो जा सकता है कि नहीं अब जैसे कि वन है तो वन का डेस्क नंबर टू कहाँ है वन का है डेस्क नंबर टू तो ये किससे चेंज होगा तो जो भी डेस्क नंबर होगा हम लोग वही रोल नंबर वाले नंबर से सीट चेंज करेंगे तो देखो यहाँ पे ओरिजिनली टू यहां है तो यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग का वन वन कहा आएगा तो जहां पे तुम्हारा जो वन है और जो डेस्क पे बैठा हुआ है तो वही रोल नंबर वाले से हम लोग सीट बदल लेंगे ठीक है अब जैसे कि ये फोर है तो ये फोर को कहीं जाने का जरूरत नहीं है क्यों क्योंकि ये जो रोल नंबर है इसका ठीक है इसका जो रोल नंबर है और इसका जो डेस्क नंबर है एकदम दोनों बराबर है तो दोनों बराबर है तो हम लोग कहीं जाने का जरूरत नहीं है अब ये देखो थ्री है ठीक है रोल नंबर थ्री इसका डिस्क नंबर फाइव है तो हम लोग देखेंगे यहाँ तो हम लोग क्या कर देंगे थ्री को यहाँ कर देंगे और ये टू तो यहाँ आ गया था टू को मैं बताया नहीं टू जो है वो कहाँ जाएगा तो टू जाएगा वहां जहाँ पे यहाँ पे थ्री है तो डिस्क नंबर टू थ्री पे बैठा हुआ तो हम लोग देखेंगे जैसे कि मान लो मैं रोहित हूँ और डिस्क नंबर टू पे बैठा हुआ तो हम लोग देखेंगे कि जो डेस्क नंबर टू है और मेरा रोल नंबर फाइव है ठीक है तो रोल नंबर है हम मैं डेस्क पे बैठा हूं। तो मैं चेक करूंगा कि टू कहां बैठा हुआ है वहीं से हम लोग चेंज कर लेंगे तो थ्री का है देखो यहाँ पे डेस्क नंबर कितना है फाइव है तो हम लोग देखेंगे भैया फाइव कहाँ बैठा हुआ है तो फाइव तो यहाँ पे बैठा हुआ है तो फाइव से हम लोग क्या करेंगे चेंज कर देंगे और यहाँ जैसे कि तुम लोग देख रहे हो टू टू बैठा हुआ है डेस्क नंबर थ्री में तो थ्री ओरिजिनली कहा बैठा हुआ है जो भी डेस्क नंबर होगा वही रोल नंबर पे हम लोग जाके बदलेंगे तो ठीक ओरिजिनली बैठा हुआ यहाँ तो सिंपली हम लोग यहाँ पे चेंज कर देंगे आ जाएगा हम लोग का यहाँ तो बस यही रिसफल करके हम लोग को एंसर देना है अब मान लो एक चीज मैं पूछता हूं तुम लोग से कि यहाँ पे एक एज केस आ जाएगा कि अगर हम लोग दे दें कि सिक्स यहाँ पे हम लोग का मान लो इंडेक्स रहेगा यहाँ पे रहेगा मान लो हम लोग को सिक्स ठीक है और सिक्स है तो वन है यहाँ पे हम लोग मान लो सिक्स है और यहाँ पे एक एज केस अगर हम लोग देख ले कि ऐसा हो मान लो कि हम लोग को रोल नंबर टू दिया है और यहाँ इंडेक्स सिक्स है मान लो मान के चलो ऐसा एज केस होगा नहीं मेरे ख्याल से मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर एज केस अगर हो क्योंकि कॉन्स्टेंट में दिया हुआ है जो भी एन का वैल्यू होगा वो तुम्हारा माइनस वन जो होगा एन माइनस वन ही होगा तो मेरे ख्याल से वो एज केस नहीं आएगा ना एज केस नहीं आएगा वो क्यों नहीं आएगा क्योंकि कभी ऐसा होगा ही नहीं कि तुम्हारा कोई रोल नंबर आए जैसे कि यहाँ पे सिक्स मैं ले लू और यहाँ पे कोई ऐसा होगा ही नहीं इंडेक्स जो कि आउट ऑफ बाउंड है तो वो एज केस मेरे ख्याल से नहीं है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं हम लोग को तो बस यही करना था हम लोग को करना क्या था मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि जैसे कि देखो ये फाइव है अब ये फाइव को हम चेक करेंगे कि ये चेंज कर सकता है कि नहीं तो दोनों का इंडेक्स में अगर डिफरेंस है दोनों का वैल्यू में तो वो चेंज करेगा ही करेगा तो हम लोग क्या किए कि फाइव जो वैल्यू है अब ये कैसे चेंज करेगा तो फाइव जो वैल्यू है सिंपली ये देखेगा आपने कि ये जो है ओरिजिनली कहाँ पे है यानी कि ये ओरिजिनली कहाँ पे है बस उसके जगह पे जाके ये बैठ जाएगा सिंपली हम लोग को यही करना है ये फाइव कहाँ है डेस्क वन पे अब हम लोग को कहाँ से चेंज करेंगे जिसका रोल नंबर वन है तो जिसका रोल नंबर वन है उससे हम लोग सिंपली चेंज कर दिए ठीक है तो फाइव आके यहाँ बैठ गया उसी तरह वन कहा जाएगा जहाँ पे डेस्क टू का रोल नंबर बैठा हुआ है डिस्क टू है तो रोल नंबर टू कहां टू यहाँ बैठा हुआ और सिंपली तो यही चीज हम लोग कर रहे हैं देखो वन कहा के बैठ गया जहाँ रोल नंबर टू था रोल नंबर टू पे बैठा क्योंकि यहीं पे उसका डिस्क नंबर टू था तो इसलिए वो रोल नंबर टू से सीट को बदलेगा तो ये था सिंपल सा चीज अब हम लोग देखते हैं इसका अप्रोच तो अप्रोच क्या होगा तो मैं एक सिंपल सा चीज बता दे रहा हूँ कि हम लोग कुछ नहीं करना है लूप चलाना है और हर एक इंडेक्स पे हर एक इंडेक्स पे हम लोग क्या करना है ए ऑफ ए ऑफ आई हम लोग को ओरिजिनल एरे में नहीं चेंज करना हम लोग यहाँ कर देंगे दूसरा ले लेंगे हम लोग ठीक है क्योंकि ओरिजिनल में मान लो तुम अगर कर दोगे देखो मैं दिखाता हूँ जैसे कि जीरो है वन है टू है थ्री है फोर है फाइव है इंडेक्स और हम लोग मैं ले लेते हैं यहाँ पे वैल्यू फाइव ठीक है अब हम लोग वैल्यू फाइव ले लिया बोले भैया फाइव कहाँ बैठेगा तो फाइव क्या बोला कि मैं वहीं बैठूंगा जहां पे तुम्हारा वन बैठा हुआ है तो वन कहा बैठा हुआ है तो वन यहाँ बैठा हुआ है तो हम लोग क्या किए कि फाइव को यहाँ पे हम लोग डाल दिए जहां पे वन बैठा हुआ था तो फाइव यहाँ आ जाएगा तो फाइव यहाँ भी आ गया और फाइव यहाँ भी आ गया तो ओरिजिनल इंडेक्स क्या होगा मेरा एरे वो गड़बड़ा जाएगा और हम लोग फिर दूसरे स्टूडेंट को चेंज नहीं करा पाएंगे क्योंकि वन पे आके बैठ जाएगा तो वन कहाँ जाएगा फिर तो इसलिए हम लोग ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई नहीं करेंगे हम लोग क्या करेंगे कॉपी कर लेंगे एक एरे का कॉपी करने के बाद हम लोग दूसरे एरे में चेंज करेंगे और इस एरे में हम लोग अपना लूप चलाएंगे मतलब ओरिजिनल एरे में लूप चलाएंगे और दूसरे जो एरे है उसमें हम लोग मॉडिफाई करेंगे ठीक है और सिंपली हम लोग मॉडिफाइड एरे अगर बोलता है रिटर्न करने तो रिटर्न कर देते और नहीं बोला रिटर्न करने सिंपली क्या करेंगे बस ये जो वैल्यू है इसको कॉपी कर देंगे जीरो जीरो थ्री थ्री फाइव फाइव यहाँ हो जाएगा वन यहाँ हो जाएगा फोर यहाँ हो जाएगा टू तो समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ हम लोग क्या करेंगे कि एक कॉपी बना लेंगे एरिंग और उसी को मॉडिफाई करेंगे और उसको मॉडिफाई करेंगे क्यों क्योंकि ऐसा होगा कि अगर ओरिजिनल एरे में करें तो हम लोग फिर दिक्कत हो जाएगा और हम लोग सब स्टूडेंट पे नहीं चेक कर पाएंगे तो सब स्टूडेंट पे हम लोग नहीं चेक कर पाएंगे इसीलिए क्या कर रहे हैं हम लोग कि एक कॉपी बना ली एरे का और उसी एरे में मॉडिफाई करेंगे और इस एरे में हम लोग लूप चलाएंगे अब देखो हम लोग लूप चलाएंगे तो कैसे काम कर रहा है जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ तो हम लोग का एरे वन पे हम लोग यानी कि हम लोग मॉडिफाइड एरे वाले में है इस एरे में है ठीक है और यहाँ पे हम लोग इस एरे में है तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे कि ये ओरिजिनली वन मेरा कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है तो ये देखो हम लोग क्या किए कि ए ऑफ फाइव तो ए ऑफ वन पे क्या है मेरा फाइव है ठीक है तो ए ऑफ फाइव पे है मेरा क्या वन ध्यान से देखो कि हम लोग कर क्या रहे हैं एरे ऑफ आई है तो एरे ऑफ वन पे गया और यहाँ पे एरे ऑफ वन आ जाएगा सॉरी फाइव नहीं यहाँ एरे ऑफ वन आ जाएगा तो एरे ऑफ वन का वैल्यू क्या है फाइव तो एरे ऑफ फाइव का वैल्यू क्या है मेरा थ्री तो यहाँ क्या आ जाएगा थ्री आ जाएगा तो सिंपली समझ में आया कि हम लोग कर क्या रहे हैं कैसे हम लोग चेंज कर रहे हैं तो देखो हम लोग देखे भैया की फाइव है अब ये फाइव कहाँ जाके बैठेगा तो फाइव जाके बैठेगा वही जहां इसका रोल नंबर टू है तो रोल नंबर टू तो रोल नंबर टू है यहाँ तो यहाँ पे जाके फाइव जो है चुपचाप बैठ जाएगा तो बस हम लोग को सिंपली यही करना है कि एक मैं फिर से यहाँ पे रफ दिखा देता हूँ इसको हटा के यहाँ इसको हटाता हूँ इसको हटाता हूँ इसको हटाता हूँ ताकि तुम लोग को एक अच्छे से आइडिया मिल जाए कि अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो हम लोग का आराम से हो जाएगा कि हम लोग का जो जहाँ पे बैठना चाहिए वो वहां के बैठ जाएगा अब ऐसा कैसे होगा तो देखो एरे ऑफ इस पे हम लोग इस एग्जाम्पल पे वन पे, हैं, तो पे, पे, पे तो है तो एरे ऑफ वन पे गए और एरे ऑफ फाइव पे गए हम लोग एरे ऑफ फाइव पे वैल्यू क्या है मेरा थ्री है तो थ्री है तो सिंपली हम लोग क्या किए यहाँ ए ऑफ ए ऑफ थ्री ए ऑफ थ्री हम लोग गए यहाँ पे फाइव का वैल्यू क्या है यहाँ पे ऑफ फाइव का वैल्यू था तुम्हारा थ्री था जीरो फोर फाइव तो ए ऑफ थ्री तो यहाँ ए ऑफ थ्री का वैल्यू क्या है यहाँ पे हम लोग का जीरो वन टू मैं एक चीज बताना भूल गया यहाँ पे हम लोग चलते हैं और पूरा हम लोग एक बार मॉडिफाई करते हैं इसको ऐसे तुम लोग को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कर क्या रहा हूँ तो ध्यान से देखो हम लोग का ओरिजिनल एडे था यहाँ पे जीरो फाइव वन टू फोर थ्री और हम लोग का देखो यहाँ पे क्या आ रहा है यहाँ पे आ रहा है हम लोग का थ्री तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ ऑफ आई पे क्या आएगा तो एरे ऑफ आई पे अगर हम लोग ऐसा कर दें चेंज हो जाएगा हम लोग का पूरा वैल्यू जैसा हम लोग को मॉडिफाइड एरे चाहिए था वो हम लोग को मिल जाएगा सो लेट्स टेक एन एग्जांपल एक एग्जांपल मैं अगर अच्छे से समझा दू तो ऑफ आई का वैल्यू क्या है यहाँ पे तो of I का वैल्यू फाइव है तो यहाँ पे हो जाएगा ए ऑफ आई का वैल्यू फाइव अब हम लोग इंडेक्स कौन पे जाएंगे फाइव पे तो फाइव पे वैल्यू क्या है मेरा थ्री तो ये थ्री है तो यहाँ पे क्या जाएगा? आ जाएगा एरे ऑफ आई यानी कि जो मॉडिफाइड एरे है जो हम लोग कॉपी एरे बनाए थे तो वहां क्या आ जाएगा थ्री तो हम लोग को यही तो चाहिए था थ्री आ गया ना तो सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं तुम लोग को समझ में अच्छे से आ गया होगा ठीक है तो होप कि ये जो अप्रोच है ये चीज क्लियर हो गया होगा तो हम लोग कैसे इस चीज को करेंगे तो ये एक फॉर्मूला है सिंपल सा फॉर्मूला है तुम लोग आराम से इसको समझ सकते हो पूरा एक बार ड्राई रन करना तब अच्छे से इसको क्लियर कर लोगे तुम ठीक है अब हम लोग क्या करते हैं कि वहां पे हम लोग चलते हैं सिंपली रन करने के लिए प्रोग्राम प्रोग्राम बहुत ईजी है कुछ नहीं है देखो सिंपली हम लोग क्या किए कि कॉपी किए जैसा कि मैं बताया था कॉपी करने के बाद हम लोग जो कॉपी वाला एरे है उसको मॉडिफाई करेंगे और ये जो है हम लोग ओरिजिनल एरे से चेंज करेंगे ओरिजिनल एरे से चेंज कर दिए एंड सिर्फ जब मेरा ओरिजिनल एरे यानी कि ये जो मॉडिफाइड था कॉपी किए थे ये जब एंसर इसमें मेरा आ चुका है तो जब एंसर आ गया भैया तो हम लोग क्या किए इसको मॉडिफाई कर दिए यानी कि जो बी ऑफ आई था वो ए में डाल के कॉपी कर दिए और हम लोग को कॉपी वाला था वो प्रिंट हो रहा है तो यहां यहां पे पे तो देखो प्रिंट कर रहा है इसलिए हम लोग को रिटर्न नहीं करना है ठीक है सिंपली हम लोग क्या करेंगे हम रन कर देंगे रन करने के बाद हम लोग का एंसर जो है आराम से आ जाएगा देखो यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है सारा टेस्ट के पास होप कि तुम लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा इफ यू हैव हैवनी डाउट इन दिस क्वेश्चन देन डू लेट इन द कमेंट सेक्शन थैंक यू